Bye.
Good evening, good evening. Do you hear Sai? Sai Mandrekar. Dabang, yes, Dabang. ये बहुत अच्छी है इसलिए दबंग थ्री में देखिए बाल दबंग वन में थे अब बेटी है दबंग थ्री में जी बहुत अच्छा है घर के बहुत ही नज़दीक है पास है तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत दूर उठ के जाना पड़ता था आईफा में परफॉर्म करने के लिए सबको सिर्फ मुझे ही नहीं अभी भी घबराहट होती है परफॉर्म करने में अभी बहुत घबराहट होती है जो परफॉर्मेंस जिसके लिए एक्साइटेड था वो कटरीना कैफ का परफॉर्मेंस था वो देख चुका हूँ और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया उन्होंने बहुत ही शानदार खूबसूरत जी 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 हाँ जी हाँ लोगों ने उस पोस्टर को काफ़ी पसंद किया है आप कुछ कहना चाहेंगे आज पहली बार इंट्रोडक्शन आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी हियर इनके वजह से ही मैं यहाँ पे आ सकती हूँ सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम यू नो स्ट्रेंज थिंग इज दैट कुछ सालों पहले बहुत सारे सालों पहले सोनाक्षी भी आईफा में ही इंट्रोड्यूस हुई थी ऑन रैम एंड टुडे इट्स या और मेरा उसी तरह से बुलंदियां पाएंगी जी उसी तरह से बुलंदियां पाएंगी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी पिक्चर क्लब नहीं करो सब तो एक्साइटेड थे कि आप संजय लीला भंसाली काम करने जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह नहीं बन रही है इंशाल्लाह कुछ और बनेगी मेरे साथ तो नहीं बन रही अभी जी हाँ उसका एक डिफरेंट पिक्चर या टीजर जो भी है वो आ चुका है और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है तो अभी आते रहेगा और 20 दिसंबर को फिल्म रिलीज है ट्रेलर भी बहुत जल्दी आ जाएगा तो अब आप इनको भी अभी टीवी पे और सोशल मीडिया और पर्दे पर देखो तो बहुत अच्छा काम किया है जी हाँ अभी हो जाएगी बिग बॉस की शुरुआत बिग बॉस सीजन 13 हाँ ईद पर आएगी पिक्चर जरूर आएगी पिक्चर जरूर आएगी अभी तो पहले दिसंबर में आएगी 20 तारीख को उसके बाद ईद पर ही आएगी क्या प्लान करेंगे और
wait and watch. आप ही परफॉर्म करेंगे? नहीं मैं परफॉर्म नहीं बस आई थिंक फैशन को लेकर कुछ अलग करना चाहती थी एंजॉय करना चाहती थी एंड ऑफ लेट आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ वांटिंग टू वेयर थिंग्स दैट आर आउटलैंडिश थिंग्स दैट हैव अ लॉट ऑफ कलर एंड या दैट्स इट आई एम हैविंग फन दीपिका आप लिप्स में इस बार आपसे ऊपर आई है टॉप पे इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी सभी प्रतिनिधियों से आगे निकलते हुए आज आप ऊंचाइयों पे हैं टॉप पर हैं थैंक यू जब मैं फिल्म्स चूज़ करती हूँ तो मैं ये सब इन सब चीज़ों के बारे में सोचती नहीं हूँ बट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट जब ऐसा रिकग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है बट येस आई थिंक माई प्रोसेस ऑफ चूजिंग फिल्म्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट एंड आई इंटेंड कीपिंग इट दैट वे हैं अंदर नो कबीर थॉट ऑफ मी फॉर द फिल्म इट्स अ वेरी स्मॉल रोल बट अ वेरी स्पेशल रोल बिकॉज आई फील लाइक द रोल ऑफ अ स्पाउस ऑफ फैमिली इज नॉट ऑलवेज गिवन इनफ क्रेडिट when you look at athletes and when they win and they perform at such an international on an international stage and platform और ऐसे ऊंचाइयों तक जब पहुंचते हैं तो फैमिली को बहुत कम रिकग्निशन मिलता है सो कीपिंग दैट इन माइंड आई वांट टू
Hello. घर से आ रहा हूँ और मैं मतलब ऐसे कहीं बाहर नहीं गया था, बट मुझे बोला गया थोड़ा लेट आने के लिए बिकॉज आई थिंक द अवार्ड स्टार्टेड एट अ सर्टेन टाइम एंड दे वांटेड मी टू कम एट अ सर्टेन टाइम, सो आई केम एट द टाइम दे वांटेड मी टू कम. कांग्रेचुलेशंस फॉर द फिनोमिनल सक्सेस. बहुत दिनों बाद हमसे आप मिल रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू. क्या प्रतिक्रिया आपकी मेगा इस साल की, मतलब अनपेक्षित और सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर रही है? थैंक यू. इसकी आपकी प्रतिक्रिया और ये चीज आपको कहां ले जाएगी आगे? देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव फॉर कबीर सिंह एंड मैं 15 साल 16 साल से वैसे ही काम कर रहा हूँ. कबीर सिंह पे भी मैंने वैसे ही काम किया और आगे भी मैं वैसे ही काम करूँगा. ऑफकोर्स द फिल्म इज़ डन एक्सट्रीमली वेल एंड द काइंड ऑफ लव दैट द फिल्म इज़ गॉटन इज़ वेरी स्पेशल. मेरी प्रोसेस चेंज नहीं होने वाली है. मैं कुछ साल से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं प्रोसेस ओरिएंटेड काम कर रहा था. And the kind of love that the film has gotten is amazing. I'm very happy, I'm very thankful, I'm very grateful to all those people who went and supported the film. Adult film thi aur normal Friday ko release hui thi. Bahut sare logon ko aisa lag raha tha that original itni achhi hai, will we be able to live up to those expectations. I was myself very nervous ki will I be able to do justice because the original performance was so good and the film had been loved so much. Me, Sandeep, Kiara, we all were nervous before the film came out. But you know, it's done what it's done and the rest is history. And so I'm very happy, I'm just very happy and thankful. Meri koshish yahi rahegi ki main agli film jo bhi karun wo achhi film ho. You know, sabse important cheez ye hai ki ab agar log kuch expectation lekar aate hain to I must give them a good film, and that's the only thing that I'm focusing on, honestly. Shayad isme ek baat aur thi, jaise kuch badh rahi thi, aapki kuch ko apni apni raaye rakh rahe the, alag alag tarah ki baatein kar rahe the film ke subject ko, aapke kirdaar ko lekar. देखिए जिनको जो जवाब चाहिए था उनको ऑडियंस ने जवाब दे दिया, सो आई डोंट फील द नीड टू से एनीथिंग. आई थिंक वी आर अ फ्री कंट्री, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू देयर ओन ओपिनियन. आई डोंट थिंक एनीबडी शुड टेल अदर पीपल नॉट टू लाइक समथिंग एंड जज अदर पीपल बिकॉज दे लाइक समथिंग. आई थिंक द ऑडियंस हैज़ वेरी स्ट्रांगली एंड वेहमेंटली शोन वॉट दे लाइक एंड यू नो द फैक्ट दैट दे if they like something they're going to support it. I felt that very strongly that there's a very direct relationship between an actor and the audience, whether it's the media, whether it's reviewers, whether it's anybody else. They cannot come in between that relationship. If the product is strong and if you do something with a lot of love and conviction and if the audience feels that, they will support you no matter what. And that's how I felt on Kabir Singh. I felt that Kabir Singh is a film that has been loved by the audience and it has done what it has done today because of the love that the audience gave it. I don't think we have so much to do with the success of Kabir Singh as the audience has, so I only have them to thank. Well, I hope so. I think everybody wants to be appreciated for the work that they do, but I don't want to jump to any conclusions. मैं आज आया हूं क्योंकि आईफा के 20 साल कंप्लीट हुए हैं और वो पहली बार हिंदुस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई वाज सपोज्ड टू बी आउट ऑफ टाउन बट फॉर्चुनेटली माय प्लान गॉट डिलेड, तो आई हैव जस्ट हियर टू सपोर्ट देम. अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा, दोज थिंग्स आर फॉर लेटर.
right now I'm just here to support them and be here to watch the amazing performances and things like that. अवार्ड्स की क्या डेफिनेशन है? आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने का मौका मिलता है. आई नो बट यू हैव टू लेट मी, थैंक यू सो मच मैम. दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने का मौका मिलता है. आई थिंक जब पूरी फ्रेटर्निटी आपको अप्रिशिएट करती है उसकी एक अलग फीलिंग होती है. सो इट्स ऑलवेज अ नाइस थिंग टू कम एंड see people from the fraternity being celebrated. It's very inspiring. It makes you want to work harder, do better, and learn to appreciate others. I think that's very important. Feels like a very surreal thing to be nominated in this category with so
you know, and it's also from Asia, along with so many other very, very, you know, prominent personalities. So main khush hu, and it's nice to be inspiring. I hope I'm inspiring. देखिए, I was very excited to work with Sanjay Leela Bhansali. Of course, very excited to work with Salman as well. मेरा मानना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. वैसे कहते हैं अगर भगवान को हंसाना हो तो उनको अपने प्लान्स बता दो. प्लान्स नेवर रियली गो एज पर प्लान, बट आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग दैट आई एम गोइंग टू वर्क विद संजय लीला बंसाली वेरी सून. थैंक यू सो मच. थैंक यू. होपफुली विद सीता. शानदार शानदार शानदार. वहाँ इंटरनेशनल मीडिया
पे तो नहीं बताऊंगी, अभी आप लोग दो घंटे वेट कर लीजिए और देख लीजिए, लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरी पहली परफॉर्मेंस है और लंबी परफॉर्मेंस है, तो बस इतना ही है जी। वही चल रहा है बस अभी, ऑनेस्टली मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अभी सीख लिया है, अभी जाके बस मज़े करने हैं, क्योंकि अगर मैं मज़े नहीं करूँगी तो आप मज़े नहीं करोगे देखते वक्त, तो बस अभी जाके बस मज़े करने हैं स्टेज पर। सॉरी यही बोला गया सब लोगों ने कि आपको बस अभी जाकर मज़े करने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आपको आईफा पे परफॉर्म करने का मौका मिला है, तो अभी बस जाओ और अच्छे से परफॉर्म करके आ जाओ। थैंक यू, वाइट मेरा फेवरेट कलर है ना, तो इसीलिए। जी माधुरी दीक्षित मैम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनकी परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू, थैंक यू। In Mumbai, so I'm super duper excited. Lot of amazing people are performing there, and of course Ayushman, he's hosting a show, I'm really looking forward to that, and Salman Khan, he's performing there, Sarah, she's performing there. I'm actually looking forward to meet all the amazing people and see all the amazing performances, so I'm super duper excited. Thank you so much. Hi, how are you? जी आईफा की खास बात यही है कि जो लोग इकट्ठा नहीं दिखते वो साथ में दिख जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा इकट्ठा होते हैं, बट आई एम सो हैप्पी दैट 20 साल बाद आईफा इंडिया आ रहा है, और आईफा की जर्नी जो लंदन से शुरू हुई थी 20 साल बाद आज मुंबई में आई है, आगे I'm sure the journey will be glorious, but these 20 years have been fabulous. We are happy to be part of this wonderful, illustrious journey. And I'm happy ke isme se 6 saal maine IFA host kiya tha, so I have a great connection to this event. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक विलन के बाद फिर से विलन की भूमिका कर रहा हूँ, और थोड़ा वर्टिकली चैलेंज हूँ, 3 फुट का हूँ, सो दैट्स एक्साइटिंग। अभी एक हफ्ते में प्रोमो आएगा बाहर, तो आप प्रोमो देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा पिक्चर में हो क्या रहा। बिल्कुल, हमेशा आई लव मराठी सिनेमा, और प्लानिंग टू प्रोड्यूस 2 मोर, सो होपफुली इन द नेक्स्ट ईयर आई विल अनाउंस।
टिकट्स, इलेक्शन की टिकट मिल रहे हैं। फिलहाल मैं मूवी थिएटर में पिक्चर की टिकट निकालने वाला हूँ। मैं किसी भी चीज़ के लिए लड़ना नहीं चाहता, मैं पीस लविंग मैन। करें और क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होता है, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम उठाया है और हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि इसको देखकर, इसको प्रेरणा मानकर बाकी लोग भी ऐसा कदम उठाएंगे ताकि हम एक स्वच्छ और सुरक्षित दुनिया की रक्षा कर सकें। सॉरी, देखिए मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मैं आइफा पे आ रहा हूँ और बहुत मज़े की बात ये है कि ये इंडिया में हो रहा है और ऊपर से मुंबई में हो रहा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है और जो लोग आइफा में नहीं आ पाते रहे, आइफा जब बाहर होता था, तो उन लोगों को भी मिलने का मौका मिल रहा है। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। फैंस का प्यार है, आदमी को खुद कुछ नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था ज़्यादा गाने बनाने में, अब वो सारे गाने बना लिए, दर्जन दो दर्जन गाने बना लिए, अब वो आ रहे हुए शूट कर रहे हैं और आप सबका प्यार चाहिए और उनको। आदी, 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 आदी,
I got nominated for Dil Chori. Dil Chori said I ho gaya. So I'm very excited. Pehli bari and what? From the movie Sonu Kitty 2. यार मैं ना सॉफ्टवेयर एक आने वाला आदमी हूँ, मैं लाइव गाने वाला आदमी नहीं हूँ, तो गलती से गाऊंगा जो भी गाऊंगा। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने, के ना कर तू मनमानी, दिल चोरी साडा हो गया है। की कह रही है इंग्लिश में बोल दो, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट यू वर सेइंग। अवार्ड्स बहुत जरूरी है, आई थिंक बंदा इंस्पायर होता है बहुत जिसको एक अवार्ड मिलता है। मेरे घर पे थोड़े से अवार्ड्स पड़े हैं, तो जब भी मैं देखता हूँ मैं और काम करता हूँ देख के। मेरा पहला अवार्ड था, रीजनल अवार्ड था, 2005 में मुझे गाने के लिए मिला था फॉर साउंड इंजीनियरिंग। सो वो अवार्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं वो डिफरेंस नहीं, वो प्रोग्रेस है। वो लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने नए आर्टिस्ट आए हैं बहुत कमाल काम कर रहे हैं, और उनमें सबसे बेहतर काम करने वाला गुरु रंधावा, इज माय यंगर ब्रदर। सो अब डिफरेंस नहीं है, वो मुझे लगता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, कि इतने सारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, बहुत कमाल परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देखो मिस फायर हर आर्टिस्ट से होते हैं। मैंने भी 10 चीज़ें बनाई जिसमें 2 चीज़ें चली, 8 नहीं चली, तो मैं वो 8 चीज़ों को भी देखता हूँ। सो सबके साथ होता है, कोई फार्मूला नहीं है म्यूज़िक बनाने का। डेफिनेटली वो एक चीज़ इतनी बड़ी मुकम्मल हो गई है शाहरुख सर के साथ कि दोबारा कुछ करने का मूड नहीं बनता। मतलब कहते ना, मेरा एक शेर था कि अब ये तो मुकम्मल हो गया, चलो और जहान देखते हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है और ड्रीम गर्ल का ड्रीम बॉय बनूंगा ये कभी सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि ड्रीम गर्ल में बहुत शिद्दत के साथ मैंने अंदर से अपनी मतलब लड़की की आवाज़ निकाली थी. सो आई एम ग्लैड एवरीबडी इज लाइकिंग इट. मुझे बहुत पूजा बहुत पसंद है और मेरे को क्रश हो गया है पूजा पे. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई कैन से दैट आई एम इन लव विद अ वुमन. सो आई लव यू पूजा. आई लव यू टू. आईफा बहुत ऑफकोर्स बहुत स्पेशल है मेरे लिए. मुझे डेब्यू अवार्ड सबसे पहले वहाँ पे मिला था एंड आई बी नॉमिनेटेड फॉर अंधाधुन दिस टाइम. पहली बार मैं भाई के साथ होस्ट कर रहा हूँ और इंडिया पहली बार हो रहा है, घर के पास है, इजी है एंड मैं सलमान भाई की परफॉर्मेंस से सबसे एक्साइटेड हूँ. हाँ ये पहली मेरी मासी फिल्म है, पहली मेरी एक कमर्शियल बसाला फिल्म है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि अभी तक मैंने थोड़ी फिल्में मिडिल ऑफ द रोड की हैं या क्रिटिकली एक्लेम की हैं. तो दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक आउट देयर. तो सिंगल स्क्रीन वाली फिल्म पहली बार की है. अवार्ड्स बहुत ज़रूरी है हमारे एक्टर्स की इंकरेजमेंट के लिए. जितने अवार्ड्स मिलते हैं आप इंकरेज होते हैं एज एन एक्टर टू डू वेल. वैलिडेशन होती है कि आपकी फिल्में लोगों को पसंद आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है. सो आई एम ऑल फॉर अवार्ड्स. हाय थैंक यू. ये जन्मदिन बहुत स्पेशल था क्योंकि इसमें ऑफकोर्स ओपनिंग सबसे बड़ी आई है मेरी एंड वीकेंड काफ़ी अच्छा आया है एंड गॉड हैज़ बीन काइंड. पीपल लोगों का प्यार बहुत मिला है. सो या मेरे लिए आज ये दिन इसलिए स्पेशल है, आपने कहा था आयुष्मान का बर्थडे, तो हमारे लिए बिटवीन लास्ट ईयर इस साल में बहुत फ़र्क है. पिछले साल बर्थडे पे कुछ और हो रहा था और इस साल बर्थडे पे मैं हेल्दियर हूँ और हैप्पियर और मेरे सर पे बाल भी आ गए हैं. तो इट्स अ प्रोग्रेशन फॉर मी. सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर एंड इवन बेटर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. यार देखो अभी तो इंडिया में मतलब अच्छा मतलब आई डोंट नो वो बहुत आगे है अभी. आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस. फ्यूचर में सोचा नहीं है ऐसा कोई. मैं चाहता हूँ हिंदुस्तानी जो स्टोरीज होती हैं, जो रूटेड स्टोरीज होती हैं, उनको करना चाहता हूँ. उसके जरिए अगर वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो वाई नॉट. हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ. जोर से नहीं बोल सकता. आई एम ऑल फॉर एनवायरमेंट. आई थिंक एनवायरमेंट को बचाना चाहिए. हमारे पास लंग्स वही हैं मुंबई के, वी शुड सेव आर एयर ऑफ कोर्स. सर मैं होस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ.
मैं सर कुछ गाने हैं, थोड़ा पंजाबी फ्लेवर रखा है, उरी के गाने हैं और मनमर्जियाँ के गाने हैं, सो एक्साइटेड हूँ। सर नॉमिनेशन तो है बट आई वुड होप कि काफ़ी अवार्ड्स मिले। सर मुझे पता नहीं। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फॉरेस्ट बचाना चाहिए। एक एक झाड़ इम्पॉर्टेंट है, एक एक झाड़ जितना कुछ हमें देता है वो शायद हम नहीं कर सकते उतना, बट एवरी लिटिल प्लांट, एवरी सैपलिंग, एवरी ट्री शुड बी सेव बिकॉज वी आर आंसरेबल टू द जनरेशन कमिंग हेंस। सो आई होप समथिंग गुड कम्स आउट। हाँ जी, अवार्ड्स की डेफिनेशन बहुत अच्छी वैलिडेशन होती है, अच्छा लगता है कि तुम्हें अवार्ड्स मिलते हैं एंड आप इतनी मेहनत करते हो, काम करते हो, लोगों का प्यार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, पर उसके बाद जब आपको ट्रॉफी मिलती है तो घर पे रखने में अच्छा लगता है कि यार कुछ मेहनत की थी जिसका एक रिवॉर्ड मिला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार आईफा स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो एज अ पार्टिसिपेंट कि जिनको मैं आज तक देखता आया हूँ सिनेमा में, उनके सामने परफॉर्म करना, उनके साथ स्टेज शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किस तरीके का प्रेशर? हाँ जी, नहीं प्रेशर मैं वैसे नहीं कहूँगा कि कुछ दिमाग लगा के आप वैसे कुछ प्रेशर में आप साइन करते हो, आप कुछ पढ़ते हो, कुछ सुनते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हो, आप उस विजन से अग्री करते हो और एक्साइटेड होते हो, तो आई जस्ट प्लंज इनटू इट। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कि यार इससे अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, बिकॉज आजकल फ्राइडे को क्या हो जाए वो हम प्लान नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला रहा नहीं है, तो बस जिसमें दिल आ जाता है वो हम कर लेते हैं। सॉरी क्या मुझे सुना, आप पूछ रहे अच्छा ये बात मुझे पहली बार पता लगी है, तो जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहेगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। देखिए बातें चलती होती हैं बट दे हैव देयर ओन कैलकुलेशंस और अपने नतीजे निकलते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म गेम आउट एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट फिल्म। थैंक यू। किसके बारे में? तख्त के बारे में। तख्त फरवरी में शुरू होगी हमारी शूटिंग, उसकी तैयारी फुल फोर्स में ऑन है और उससे पहले मैं उधम सिंह ख़त्म करूँगा शूटिंग और फिर बाद में हम तख्त में जाएंगे। हाँ जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी कास्ट है और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि जब हम एक फ्रेम में होके एक्टिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिंग ना निकल जाए, तो हम बड़े खुश हैं कि अच्छे से हो, बट आई एम रियली वेटिंग फॉर द प्रोसेस टू स्टार्ट, वेरी एक्साइटेड। चलो
हैप्पी फीलिंग होती है, बटरफ्लाइज होते हैं स्टमक में हैप्पीनेस से. और व्हेन योर प्रोड्यूसर इज सो हैप्पी, व्हेन योर डायरेक्टर जो उसकी पहली फिल्म है उसको इतना अच्छा ये मिला है रिस्पॉन्स ऑडियंसिस से, सो आई थिंक ऑल इन ऑल वी आर अ वेरी हैप्पी टीम यार, बहुत ज़्यादा खुश है. आई लव द कलर ब्लू यार, इट्स अ कलर नॉट डन. रणवीर सिंह, आयुष्मान, माधुरी मैम, सबके, सलमान सर, आई वॉन्ट टू वॉच एवरीबडीज परफॉर्मेंसेज, आई एम अ फैन, तो मैं तो सबको देखूँगी. जी मैं ये कहूँगी कि आइफा कहीं भी हो पूरी इंडस्ट्री पहुँच जाती है, इट्स वेरी क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट, बट 20 साल बाद इंडिया आया है, सो ग्रेट होम कमिंग. Just that we are having a dream run at the box office, and we were a team, worked very hard, and we are all very very happy. So thank you for all the love, guys. Thank you. For Dream Girl, I hope, yeah, Sumit. I hope we do that. I hope we do more than that. If audiences are loving it, then why not come and watch it again. अगला तो तुरम खा कर रही हूँ जो 31 जनवरी को आएगी, और फिर हुरदंग कर रही हूँ, ये कन्फर्म है सुमित. आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे इन 10 डेज, आई एम लीविंग बॉम्बे, आई एम गोइंग अवे विथ माई गर्ल फ्रेंड्स टू एन आईलैंड, एंड आई एम गोइंग टू लिव एन आईलैंड लाइफ. मैंने सुना नहीं है, बट अगर आप वेब प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ तो आई थिंक इट्स गॉट अ ग्रेट स्कोप, इट्स गॉट ग्रेट पावर, विच इज़ वाई यू सेइंग कि वो बहुत पॉपुलर हो गया था. तो आई थिंक मोर ऑफ दीज थिंग्स शुड हैपन, एंड मे बी समडे आई विल डू समथिंग ऑन द वेब. जाओ सुमित. तो बहुत खुशी है कि आज ये आइफा इंडिया में हो रहा है, बिकॉज़ एक इमोशनल फीलिंग है कि हिंदुस्तान का अवार्ड है और इंडिया में ही हो रहा है, तो उसकी बहुत बहुत खुशी है मुझे. यू नो इट्स वेरी इमोशनल बिकॉज़ दिस इज़ द प्लेस, मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ इंडस्ट्री का जन्म हुआ, और यहाँ पे इतना टैलेंट पनपा और वो टैलेंट फिर दुनिया भर में फैला. तो दुनिया भर घूमकर हम वापस अपने अपने घर में आए हैं और यहाँ पर अवार्ड कर रहे हैं, सो इट्स वेरी वेरी इमोशनल. सलमान खान ऑलवेज. या सलमान, मैं मुग़ल वगैरह कुछ नहीं बनाऊँ, मुग़ल मेरे फादर थे, वही रहेंगे हमेशा. यस, कि हमने एक स्टेप उठाया है फिल्म्स बनाने के लिए,
काफ़ी सारी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, काफ़ी सारे अच्छे कोलाबरेशन हुए हैं आनंद राय के साथ, अनुभव सिन्हा के साथ, लव रंजन के साथ। तो बहुत खुशी है कि मीन्स लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ को ट्रस्ट करते हैं, हमारी सेंसिबिलिटीज़ को करते हैं, हमारी मार्केटिंग को करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए ज्वाइन हो रहे हैं। सो उस चीज़ की बहुत खुशी है। इट्स हार्ड वर्क ऑफ माई इंटायर टीम। अभी तो एक्चुअली कुछ तैयारी शुरू नहीं की है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड जल्दी जल्दी पोस्टर बाहर आएगा और डेट अनाउंसमेंट आएगी। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई जस्ट वांट कि आप सब बहुत प्यार दें मुझे, क्योंकि मेरे मन में यही है कि आप हमेशा इतनी इनकरेजमेंट और प्यार देते हैं, वो आप ज़रूर जारी रखें। हमें किन्हीं कारणों से कहा गया था कि ये बात नहीं हो पाए, अब आप वापस से आपसे पूछ रहा हूँ, मिस्टर जॉन इब्राहिम आपके साथ में, अगर आप एक बार वापस से अभी बोलना अभी अनाउंस नहीं कर सकते, पोस्टर आ रहा है तो थोड़ा सरप्राइज। अच्छा उन्होंने बंद करवा दिया से कुछ, पर आई थिंक यू नो इट्स बेटर अगर अनाउंसमेंट मेरे डायरेक्टर की तरफ से आए और मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से आए। वो अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद ही आगे बढ़ के अनाउंसमेंट कर रही हूँ, बिकॉज दे आर द वंस हु सिलेक्टेड मी, सो या दे शुड अनाउंस। जी अब तो बोल सकता हूँ वो कर रहे हैं, बहुत खुशी है। वो एकदम बेस्ट एक्टर हैं इस रोल को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि स्क्रिप्ट जिस तरीके की बनी है उसको आई थिंक उनको छोड़ के कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम कि ही इज़ डूइंग माय फादर्स रोल इन हिज बायोपिक, एंड आई थिंक इट विल बी सुपर्ब। आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। जी स्क्रिप्ट एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़, रीज़न ये फिल्म करने का आमिर सर का यही है कि उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, उनको मेरे फादर का कैरेक्टर बहुत पसंद आया, तो उस सब चीज़ों से वो इंस्पायर होके उन्होंने ये पूरा ठोस कदम उठाया कि वो फिल्म ये अब 100% कर रहे हैं। सुभाष जी के बारे में आई थिंक उन्होंने डिटेल क्लैरिफिकेशन दी है, सो आई वांट टू स्टिक विद दैट जो उन्होंने बोला है, एंड दैट्स इट। थैंक यू। सवाल हैं आपके, सवाल मेरे जवाब। आईफा एक ऐसा अवार्ड है जो कि देश विदेश प्रदेश सब में घूमता है और पूरी इंडस्ट्री को वहाँ लेके जाता है। आई थिंक ये पहला अवार्ड है जबकि वो बॉम्बे में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। एंड आई हैव बीन ऑलवेज ए पार्ट ऑफ आईफा। आईफा हैव बीन ऑलवेज वंडरफुल, वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव, वेरी न्यू और वेरी टाइम। मुझे आईफा में जाने में अच्छा लगता है। रेखा जी लीजेंड हैं, लीजेंड रहेंगे। हर साल उनका जन्मदिन आता है, हम हर साल उनको विश करते हैं। जी हज़ारों साल साल के दिन हो 50 साल। थैंक यू। एनी क्वेश्चन आल?
थिंक आईफा ने बहुत मतलब दुनिया घूमी है. I first traveled around the world, so many countries. So बनता है कि मतलब 20th birthday है तो वो घर आया है. I think everyone's really welcoming them here, and I'm also very grateful कि उन्होंने मुझे part बनवाया special year का, because I hosted IFA Rocks. So, बहुत ही बढ़िया था. ऑडियंस बहुत वंडरफुल ऑडियंस. इट वॉज बहुत म्यूजिकल इवनिंग रही और फैशन फिल्ड इवनिंग रही. ब्यूटिफुल फैशन शोज एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस. इंडी ओके लेबल्स को ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं हूँ, पर मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अप्रिसिएशन. आई डोंट सी देम मच. आई जस्ट टेक द पॉजिटिविटी, बट आई डोंट स्टिक टू लेबल्स माई सेल्फ रियली. हाँ सी, मैं उनको बताया था मारो मत मुझे. हाँ हाँ, जो भी जॉनर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आएगा अच्छा लगा तो काम करूँगी मैं. थैंक यू.
है, कैसे हैं आप लोग? बहुत एक्साइटेड हूँ, 20वां साल है जैसे कि मुझे बोला गया है कई बार. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर फॉर द 24th. एंड हमारे पड़ोस में ही है इस बार, सो इट वाज सुपर इजी टू कम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी. जी हाँ जी, दूसरे सॉरी, अभी तो शुरुआत हुई है तो कुछ भी कहना बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी इनिशियल फेज, तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब देखेंगे उसका फुटेज देखेंगे तो आप सहमत हो और खुश हो. इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फिल्म दैट आई कैन से आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर. हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर हूँ. जी हाँ, क्या कहना चाहूँगा मैं, नहीं मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से या मेरी तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग है. प्लान शायद इतना ही है कि अगर हम साथ में फिल्म करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि करेंगे कि वो कहानी बहुत कमाल की हो और उस तरह की फिल्म हो जिसमें हम पूरी तरह से अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से निभा पाएँ और एक्साइटिंग फिल्म हो, क्योंकि हम दोनों ही फिल्मों से बहुत मोहब्बत करते हैं. तो आई होप कि वी गेट समथिंग दैट्स एक्साइटिंग. मेरे ख्याल से सारा हैं जो मेरी कंटेम्प्रेरी है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर परफॉर्म. मुझे इसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन कौन आज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड. जी हाँ, या वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. आपको ऐसा लग रहा है? थैंक यू. कोई लफ्ज़ नहीं, मैं कैसे बयां करूं कि कैसा लगता है जब आपके सीनियर्स और आई थिंक रेखा जी जैसी ग्रेसफुल फिगर हमारे बड़े पर्दे पे बहुत कम है. शी इज़ रियली द ज़ेनिथ ऑफ ग्रेस एंड ग्लैमर एंड ब्यूटी, एंड सो इट्स सो वंडरफुल टू हियर टू काइंड थिंग्स फ्रॉम हर. जी नहीं, बचपन में ज़्यादा मेरी किस्मत नहीं थी, लेकिन हाल ही में मेरी फिल्म के रिलीज़ के बाद से मैं शी वॉज देयर एट द स्क्रीनिंग ऑफ धड़क. जी हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग है. उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, इट्स फॉर BBC 1 और आई मीन इट्स अ ह्यूज कास्ट. जहाँ तक मैं जानता हूँ 100 के भी ऊपर कास्ट मेंबर्स हैं उसमें. इट्स अ बिग पीरियड पीस और मीरा नायर मैम हैं जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं. शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स दैट हैज़ इमर्ज फ्रॉम इंडिया एंड हैज़ बिन नोन इंटरनेशनली. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हर. उनका काम मुझे बहुत बहुत पसंद आया है, बहुत सीखा है मैंने उनके काम को देख कर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हर. थैंक यू. थैंक यू.
खुशी है आईफा के हम गोल्डन 20 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं और इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर. ऑल्सो आई वॉज द ग्रैंड फिनाले शो स्टॉपर एट आईफा फैशन शो अ डे बैक. सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी पार्ट ऑफ इट एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ आईफा एज अ प्लेटफॉर्म. Thank you so much. आपको पसंद आया. I'm wearing this beautiful white gown by an international designer called Darsara Singh Fashion. And yeah, the whole idea was to be elegant and white. नेचुरल ग्लोअर चल रहा है. अच्छा है. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट एक दिन जहाँ भी हो दैट आई एम देयर फॉर आईफा. आई लव द होल विजक्राफ्ट टीम एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी देयर. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. किसके परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड है? रणदीप. Randeer is performing. I'm wearing Sheen and Falguni. Unhone specially banaya mere liye aaj ke liye. Main kahan dekhu? India mein. It's great. It's a homecoming. I believe 20 saal mein pehli baar Mumbai mein ho raha hai. मेरा पहला आईफा सिंगापुर में था आई थिंक 2012 में. सिंस देन आई हैव नेवर एनकाउंटर लाइक इट्स नेवर बीन इन बॉम्बे. सो फर्स्ट टाइम इट्स इन बॉम्बे एंड इट्स अ 20th ईयर. तो इट्स अ स्पेशल ईयर एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम इन टाउन एंड आई कैन बी हियर फॉर आईफा. मैं एक्चुअली बैक टू बैक शूट करी थी और क्योंकि मैं काफ़ी सारे लैंग्वेजेस कोशिश कर रही हूँ जगल करने की तो उसकी वजह से आई एंड अप नॉट बीइंग हियर अ लॉट. मैंने अभी एक लंदन में शूट फिनिश की द गर्ल ऑन द ट्रेन
और उसके बाद अभी साउथ की कुछ फिल्में हैं तो जी नहीं अभी तो नहीं बस यही कि रिबू दास गुप्ता के साथ काम किया, ही इज़ अ रियली इनक्रेडिबल डायरेक्टर, बहुत मज़ा आया एंड इट वाज रियली इट वाज फन। नहीं वो एक सेकंड में मैं क्या बोलूँ, और वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो एक कहानी लेके वो इट साउंड्स रॉन्ग, अभी नहीं, नहीं रॉन्ग नहीं है, सही है बट इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। किसकी बात क्या, हाँ अनदर टाइम, ओके बाय सी। For tonight, a little vintage zone. So yeah, just trying to experiment. Sabki aan, sabki shaan, sabka ek bhai jaan. So big Salman fan. So just looking forward to watch his performance. Yeah, I love Ranveer. So yeah, Ranveer is also there. Looking forward to a great night. Sorry? I loved Andhadhun and I loved Tabu's performance. I really hope Ayushman and Tabu in something or the other. I loved it as well. Thank you. Good evening, sir. How are you? जी अभी मैं सिर्फ आया हूँ, अभी परफॉर्म करूँगा। I hope to take this opportunity and please allow me to congratulate both of you.
Well, I think the new arrival is always very exciting. Yes, Arpita and me are expecting a second baby, and Ayla has been such an amazing journey. So it starts all over again, and we just can't wait for the baby to come. Thank you. Yeah, I just finished that. Well, exciting. I'm excited. I'm nervous. I'm waiting. This is my first time on IFA, so I hope I do a decent job. जी अभी तो इतनी टिप्स हो चुकी हैं, एक साल से आ गया हूँ, डेब्यू हो गया है, तो अब टिप्स मिलना बंद हो गई हैं. I think the whole idea of a country is to be secular, and that's the basic spirit of India. So we are very excited, and the fact is that we celebrate all religions. Even we celebrate Christmas, we celebrate Eid, we celebrate Diwali and Holi and all the festivals we have, and that's what the family is all about. Ayush's biggest critique, I think, and it's easier for a wife to criticize than for outsiders. So you have seen your designing before, and some stores also. No, I actually don't design. I just like I don't design. My sister does the designing. I just see what he's doing. See you. Okay. Go. स्पेशल टू कम होम, तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि आईफा इंडिया वापस आ गया है. एंड उससे भी ज़्यादा आई एम एक्सपेक्टिंग, नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्साइटेड टू सी सारा'स परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने सारा को पहले परफॉर्म करते हुए कभी नहीं देखा है. सो आई एम एक्साइटेड टू सी हर परफॉर्म. न्यू मूवी कमिंग आउट, सो मैं उसके लिए शूटिंग के लिए आई हूँ. इट्स अ न्यू फिल्म आई साइन, एंड येस अभी मेरा टाइम आधा अमेरिका और आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो अनलेस IPL या कुछ रियली कुछ काम हो यहाँ, आई टेंड टू बी मोर इन अमेरिका, क्योंकि वहाँ भी देर सम वर्क हैपनिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग एक्चुअली. सो आई एम बिजी. ओ शी वॉज वंडरफुल. मैंने रेखा जी का परफॉर्मेंस देखा, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था. मैंने रेखा जी के साथ फिल्म दिल है तुम्हारा में काम किया था, और मुझे बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके. शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ वंडरफुल वुमन. सो बहुत सीखने को मिला उनसे, एंड I'd like to wish her a very, very happy birthday, Rekha ji, wherever you are, because I don't know if I'm going to be here, but I'll wish her. Okay? Thank you.
celebrities over there only. Good evening, how are you? No, this is the first time I'm attending. I'm really excited. Entertainment. Sorry? Ji, bilkul. Coolie number one hai. And we're having fun shooting it right now. And I can't wait for everybody to watch it. Ji, bilkul. Well, I think it's a great initiative jo filmmakers ne aur producers ne liya hai, and I think, you know, you have to start everywhere, where you work, where you stay, and it's so lovely, you know, not to have any plastic on the set. That's amazing. Thank you so much. What's up, guys? बिल्कुल, मैं नॉमिनेटेड हूँ आज आईफा में, और बहुत सारी दिग्गज कलाकारों के साथ नॉमिनेटेड हूँ. मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने शिखा को कहा कि प्लीज़ आके मेरी हिम्मत बढ़ाओ. और चूंकि वो मेरी वीरे है और मेरी लाइफ लॉन्ग वीरे है, इसलिए शी हैज़ ओब्लाइज्ड मी. थैंक यू सो मच. दूसरों की मेहनत है, मेरे ऊपर. शिखा नेचुरली ऐसी है. जी बिल्कुल, मैं आई थिंक दैट गणेश उत्सव जो है वो बॉम्बे की जान है, एंड अब मैं भी मुंबई करूँ, सो ऑब्वियसली जब लाल बाग का राजा बॉम्बे आते हैं तो कैसे हम नहीं जा सकते. नहीं, मुझे लगता है ये सबसे नॉर्मल चीज़ है होना. मतलब अगर दर्शन करके चप्पल नहीं खोए आपके, तो फिर क्या ही दर्शन किया आपने. सो आई फील ब्लेस्ड. बिल्कुल, बहुत ही बहुत मज़ेदार, बहुत ज़रूरी फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है शीर कोरमा. और दिव्या जी और शबाना आज़मी जी की मैं फ़ैन रह चुकी हूँ, सो इट वॉज अ रियल ऑनर टू वर्क विद देम. आई थिंक मुझे अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं बाउंड्री के पार ही रहती हूँ, तो मैं कॉन्स्टेंटली मैं चौंका हूँ. Sorry. Hi. बिल्कुल, मुझे लगता है कि आरे जो है, आरे का जो जंगल है वो मुंबई के लंग्स हैं, वो फेफड़े हैं मुंबई के. एंड अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर हम क्या ही और कुछ कर पाएंगे लाइफ में. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब जो मुंबईकर हैं, जो मुंबई के सिटीजन हैं, हम जो कोशिश हमसे हो सकती है हम वो करें आरे को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए. नहीं, मुझे लगता है सबको अपने अपने राय का हक होना चाहिए. आई थिंक बहुत ही कमाल की चीज़ है. इंटरनेट एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है और एक डेमोक्रेटाइज करता है वो एक्सेस को, अपॉर्चुनिटी को. और बहुत अच्छी बात है अगर हम इंटरनेट के थ्रू नया टैलेंट डिस्कवर करते हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. हम आईफा से बहुत दूर जा चुके हैं सुमित जी, कुछ आईफा के बारे में पूछ लो. बेचारे उन्होंने सारे दिन उसी के बारे में पूछ रहे हो. हाउ कैन यू चूज़ आई थिंक मैं वो बच्ची हूँ जो चित्रहार देख के और सुपरहिट मुकाबला देख के बड़ी हुई थी, तो मैं तो ऐसे ही खुश हो जाती हूँ जब बॉलीवुड के स्टार्स स्टेज पे डांस कर रहे होते हैं, तो मैं तो सबको देख के खुश हूँ. बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द परफॉर्मेंसेज. थैंक यू गाइस. Thank you.
हेलो, आप पहले बताइए, आपने देखा आप लोगों ने? सच में अच्छा लगा? थैंक यू सो मच। नहीं किया सब, नहीं पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, मैंने नहीं किया फैशन शो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरे को पूछा था, बट आई वॉज प्रोमोटिंग नो मेड इन चाइना एवरी डे, आई लाइक यू कैन सी ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, आई एम समवेयर और द अदर। सो परसों हम बाइट्स कर रहे थे और सारा लाइक ऑल द इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल के साथ शूट कर रहे थे, विच वॉज क्वाइट फन। एंड फाइनली एक साल पहले शूट खत्म हुआ था और आज ट्रेलर बाहर आया है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। You know how much I love dancing, so I am looking forward to all the acts. But obviously, the Ranbir's act is, I think, the opening act, and Salman sir is finishing the last. So both of them are, I think, going to be dhamaka performances. So yeah, I'm for sure looking forward to these two performances. Pucho, he's saying, he's like, kitna pucho? Hello, second time. लास्ट ईयर रेखा मैम का था, लास्ट दो साल तो मैं खुद भी परफॉर्म कर रही थी, तो आई वॉज वेरी नर्वस, बट दिस टाइम दैट्स वाई देयर इज नो नर्वसनेस, आई हैव जस्ट आई कैन लाइक आई हैव गॉटन रेडी, आई हैव कम, आई विल गो इनसाइड, सिट एंड एंजॉय। जी मैं जेन्युइनली नहीं हूँ, मेरे को कभी फ़ोन भी नहीं आया है, और मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एट ऑल। जी यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, आई थिंक ऑन सम लेवल हम सब कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, यू नो ऑल द शूट्स दैट आई डू, ऑल द शूट्स दैट आई, नॉट जस्ट अस, सिर्फ हमारे ही ग्लास के बॉटल्स नहीं होते, प्रोडक्शन हाउस भी एक कोशिश करते, लाइक यू नो ऑन ब्रह्मास्त्र सेट प्लास्टिक इज कम्प्लीटली बैंड, वी ऑल हैव आर ओन ओन वाटर कंटेनर्स, ग्लास कंटेनर्स, सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। एंड ऑल्सो ये बोलते हैं कि जो रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं होती तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, सो इवन इफ वी आर यूजिंग दैम, इट विल जस्ट कंटेमिनेट आर ओन होम्स, आर ओन सिटीज़, यू नो, सो इट्स बेटर टू नॉट यूज़ दैम आई गेस। जी नहीं नहीं, ऑफर भी नहीं आया जी। मेरी मॉम और मेरी भाई को बहुत अच्छा लगा, पर वो लोग अभी काफ़ी शॉक में हैं, वो कार इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा शॉक में हैं वो लोग, तो आई थिंक दे हैवंट बीन एबल टू प्रोसेस एवरीथिंग, और मुझे देखा नहीं अभी तक सुबह से, सो विच इज़ आई थिंक मम इज़ रियली वेटिंग एट होम। नहीं, जो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। थैंक यू। Thank you.
काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है मोर सो बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक विक्की इज़ परफॉर्मिंग विक्की कौशल सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिज परफॉर्मेंस आई सॉ सम इंस्टा स्टोरी ही पुट अप सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट विक्की थैंक यू सो मच इट्स अ लवली गाउन बाई गैविन मिगुएल एंड क्या बोलूँ बहुत पसंद आई मुझे इसलिए पहनी मैंने सुना नहीं कौन सी जी काफ़ी डिफरेंट है और मेरी अपकमिंग आई एम डूइंग इट विद विजय देवरकोंडा एक मल्टीलिंगुअल लव स्टोरी है तो उसमें प्ले अ म्यूजिशियन सो इट्स अ रियली नाइस अवतार इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव डन प्रीवियसली सो एक्साइटेड अबाउट दैट